शिवम सोनी। तो नीट पेपर लीक मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड रॉकी गिरफ्तार किया गया। आरोपी रॉकी से झारखंड पुलिस पूछताछ कर रही है। झारखंड से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने सीबीआई को रॉकी की 10 दिन की रिमांड भी अब सौंप दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रॉकी गिरफ्तार किया गया है। झारखंड से इस रॉकी की गिरफ्तारी हुई है। नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहा है न्यूज स्टेट, जहां पर एक और गिरफ्तारी की गई। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड रॉकी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रॉकी झारखंड में छिपा हुआ था, जिसके बाद इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और सीबीआई को सौंप दिया है। और कोर्ट ने अब सीबीआई को 10 दिन की रिमांड सौंप दी है। 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर आरोपी रॉकी रहेगा और इस 10 दिनों की रिमांड के दौरान सीबीआई कई महत्वपूर्ण खुलासे इस रॉकी से कर सकती है। रॉकी भी मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना जा रहा है नीट पेपर लीक कांड को लेकर। और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि रॉकी से जब पूछताछ होगी तो कई महत्वपूर्ण खुलासे रॉकी करेगा। बड़ी खबर, जहां पर रॉकी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी रॉकी को झारखंड से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई को 10 दिन की रिमांड कोर्ट ने सौंपी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तो नीट पेपर लीक मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी और रॉकी सीबीआई के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। इससे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं और हो सकता है कि नीट पेपर लीक का पूरा पर्दाफाश इस रॉकी से पूछताछ में हो जाए। काफी दिनों से इस आरोपी की तलाश कर रही थी सीबीआई की टीम और ऐसे में सीबीआई कहते चढ़ गया है रॉकी। और रॉकी से पूछताछ करके जल्द महत्वपूर्ण अपडेट सीबीआई की टीम साझा भी करेगी। लेकिन रॉकी को फिलहाल 10 दिन की कोर्ट रिमांड मिली है। सीबीआई को रिमांड सौंप दी है कोर्ट ने 10 दिन के लिए, यानी कि 10 दिन तक सीबीआई के पास रहेगा रॉकी। सीबीआई 10 दिनों तक रॉकी से पूछताछ करेगी। नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, आरोपी रॉकी को गिरफ्तार किया गया है। रॉकी मुख्य साजिशकर्ताओं में से हो सकता है और ऐसे में अब एनटीए पर भी तमाम सारे सवाल एक और देश में खड़े किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की हियरिंग चल रही है। तो वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि रॉकी को गिरफ्तार किया गया है और रॉकी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि कोर्ट ने 10 दिन की सीबीआई रिमांड भी रॉकी की दी है, यानी कि सीबीआई के पास 10 दिनों तक रॉकी रहेगा सीबीआई रिमांड पर और सीबीआई उससे पूछताछ करेगी। खबर को विस्तार देंगे संवाददाता उत्कर्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उत्कर्ष, रॉकी की 10 दिन की सीबीआई रिमांड मिली है, फिलहाल रॉकी को लेकर क्या अपडेट है? ये मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है क्या? कब से छिपा था, कब से सीबीआई को इसकी तलाश थी, कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए अगर रॉकी की बात की जाए तो सीबीआई की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। रॉकी किंग पिन में एक बड़ा चेहरा माना जाता है। इसके बिना कह सकते हैं कि नेट का जो पेपर लीक कांड था वो नहीं हो सकता था। संजीव मुखिया का भतीजा है और कई दिनों से सीबीआई जो है इसकी तलाश कर रही थी। चार मई के बाद ये किसी के नजर में नहीं था। माना जा रहा था कि ये भारत को नेपाल जा चुका था, लेकिन इसे वापस रांची से झारखंड से कहा जाता है गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद आज देर शाम उसे पटना लाया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि जो 10 दिन का रिमांड मिला है उसमें करीब 5 दिन से ज्यादा उससे दिल्ली में पूछताछ होगी, इसे दिल्ली ले जाया जाएगा। और दो बड़े आरोपी यानी कि सिकंदर यादवेंद्र और नितीश, इन दोनों के सामने रॉकी को रखकर तो इन दोनों से पूछताछ होगी। और सबसे बड़ी बात, इस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तो पहले ही सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उनके समक्ष रखते भी इसकी पूछताछ हो सकती है। तो माना जा सकता है कि बड़ी सफलता है और रॉकी की गिरफ्तारी से अब संजीव मुखिया तक का भी शिकंजा जो है वो सीबीआई जल्द पहुंच जाएगी। बात है तो संजीव मुखिया के बारे में कोई जानकारी, संजीव मुखिया कब से फरार है, कहाँ छिपा हुआ है? बिल्कुल, देखिए संजीव मुखिया को लेकर अगर कई बातें सामने आ रही है। सबसे पहला कि उसके ऊपर है, यानी कि जो पुलिस बल है या सीबीआई है कोई भी कानून जो है उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसके ऊपर नो कोरसिव एक्ट लगा है, तो सबसे पहले सीबीआई इस एक्ट को खत्म करवाएगी, उसके बाद ही संजीव मुखिया को पकड़ा जा सकता है। हालांकि संजीव मुखिया अभी पुलिस के रडार से बाहर है, ना तो वो सीबीआई के रडार में है ना ही पुलिस के रडार में। ये माना जा रहा है कि वो भारत को नेपाल जा चुका है, क्योंकि 2016 से ऐसे कई मामले हैं जिसमें संजीव मुखिया का नाम आया है और संलिप्तता भी है, तो काफी पुराना खिलाड़ी माना जाता है। और ऐसे में संजीव मुखिया को पकड़ना फिलहाल सीबीआई के लिए एक बड़ी चैलेंज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी उत्कर्ष इस दौरान टल गई है। 18 जुलाई को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी उत्कर्ष। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रॉकी को झारखंड से गिरफ्तार किया गया, क्या झारखंड का ही रहने वाला था या झारखंड में इसको पनाह दी गई थी किसी के यहाँ पर? देखिए अगर रॉकी की बात की जाए तो मूल रूप से वो बिहार के नालंदा का रहने वाला है और ऐसे में झारखंड में रहकर ये एक रेस्टोरेंट चलाता था।
हालांकि रेस्टोरेंट केवल नाम का था, संजीव मुखिया अपने आइडेंटिटी में कई ऐसे सरगना रखते थे जिनको वो सैलरी दिया करते थे। अब ऐसे में एक विचार्य रॉकी को भी दिया गया था, रॉकी वहां रहकर काम करता था, लेकिन मूल रूप से वो रेस्टोरेंट नहीं बल्कि संजीव मुखिया का लेफ्ट हैंड माना जाता है। संजीव मुखिया के साथ ही साथ रॉकी का कनेक्शन जो है वो बोईसे स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और बिहार की अगर बात की जाए क्योंकि बिहार का रहने वाला था, तो सबसे बड़ा कनेक्शन जो है उसका सिकंदर यादवेंद्र नीतीश और अमित आनंद से था। ये वही नीतीश और अमित आनंद है जिनके कहने पर ये क्वेश्चन पेपर जो है वो बिहार आया था, और ये वही रॉकी है जिसने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक किया था। बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। तो आरोपी रॉकी जो कि झारखंड से गिरफ्तार किया गया है और सीबीआई को 10 दिन की रिमांड रॉकी की सौंप दी गई है। बिहार का रहने वाला था रॉकी और झारखंड में जाके छिपा हुआ था। सीबीआई को जैसे इसके इनपुट मिले, सीबीआई की टीम वहां दबिश देती है और रॉकी को गिरफ्तार